ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं असंध के बीडीपीओ कार्यालय से, जहां पर गांव सालवन और 25 वार्ड से आजाद उम्मीदवार संग्राम सिंह राणा ने जीत हासिल की है। तो चलिए सीधी बातचीत करते हैं, क्योंकि उनके समर्थक उनके साथ लगे हुए हैं और कुछ लोग अभी भी सेल्फी ले रहे हैं। जीत की खुशी हम आपको दिखाएं। तो सभी को धन्यवाद जी, जिन भाइयों ने मेरे पर साथ विश्वास जताया और मेरे बुजुर्गों ने और सभी वार्ड के लोगों को मैं बार बार नतमस्तक होता हूँ, बार बार धन्यवाद करता हूँ और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, कोई पक्षपात नहीं करेंगे, यही हमारी प्रार्थना है। आपको कितने वोट मिले हैं? वोट लगभग अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ, लगभग 6,000 के करीब वोट है, लगभग 2,500 के ऊपर। बहुत बड़ी जीत है जी, इतनी बड़ी जीत आपको मिली है, लोगों ने विश्वास आप पर जताया है, तो क्या कुछ उन लोगों से कहेंगे, कैसी फीलिंग है आपको? देखो जी, जिन्होंने विश्वास जताया है जी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, भाई उनका विश्वास ना टूटा, उनका विश्वास और बढ़ा, ऐसा कोई भी कार्य ना करेंगे जैसे उनको ठगे हुए महसूस कराए। कई बार लोग आवे वोट ले जाए और फिर अब अपना तरीके से अपना खेल खंडा हुआ, तो अपना यही प्रार्थना है भाई हम सन्मार्ग पर चले, ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, बस यही हमारी प्रार्थना। आप एक युवा चेहरे हो, बहुत बड़े बड़े चेहरे भी थे, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों ने भी जोर लगाया, लेकिन आप आजाद उम्मीदवार पर चुनाव लड़े आपने, तो उस जनता ने जितना आपने साथ दिया, तो उनके जो उम्मीद है उन पर खरा उतर पाओ? देखो जी, हमारी ताकत हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं जी, उनकी ताकत सही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी उनकी ताकत बढ़ाते रहोगे, कोई ऐसा गलत कार्य नहीं होगा ताकि उन्हें कोई ठग हुआ महसूस करे कोई। जो बारंबार नमस्कार करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी मतदाताओं का जी, उन्होंने हमारे विश्वास जताया। जो मुद्दा अपने चुनाव के अंदर जो हमारे बच्चे ने जो मेहनत करी है, जो मतलब जो इसकी ईमानदारी है, मतलब उसी ऊपर लोगों ने वोट दिया, परिवार की हिसाब है इसकी, पूरे परिवार की, मेरे बड़े की भी है, कोई नवी तो है नहीं भाई, मेरे कोई नवा हुआ है, मतलब इन्होंने कोई लालच नहीं किसी से, उसमें इतना कहना चाहिए, मतलब अच्छे काम कर और आगे बढ़। पांच छाओ गांव मैंने मतलब वोट बहुत ही ज्यादा जीता जी, इतिहास में मेरे हिसाब से पहली बार जीता जी, ठीक है, मैं तो बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल पूरा सहयोग किया जी, पूरा सहयोग करा जी, सालों सालों ने जी पूरा छह काम होना जी, ठीक है जी, मैं तो यही कहूंगा जी, जिस हिसाब से जीत हो गया संग्राम उस जीत पर खरा उतरे और उस पर मतलब जो लोगों की मतलब उम्मीद है उस पर मतलब खरा उतर के दिखा के हाँ भाई है, ठीक है, धन्यवाद जी। देखिए वार्ड नंबर 24 से जो उम्मीदवार हैं, अभी रिजल्ट अनाउंस होना बाकी है, हालांकि रिजल्ट डिक्लेयर अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन रिजल्ट से पहले यहां पर जो खुशी की लहर आप देख सकते हैं, जो शीला जयसिंहपुर है और जो दूसरे कैंडिडेट, जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि अपना आपसी भाईचारा बना के रखें, एक दूसरे के साथ बना के रखें, और यहीं पर वो तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, जिसकी तस्वीर हम आपको भाई साहब, भाई देखो आप सभी का धन्यवाद है भाई, और अभी रिजल्ट अनाउंस होना बाकी है, देखो नहीं मैंने नहीं पता कितना औपचारिकता बची हुई है, और भाई आप सबका धन्यवाद और मैं उस परमात्मा का बार बार धन्यवाद। भावुक हो चुके हैं क्योंकि जनता है, जनता ने आपको इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है, तो ये खुशी के आंसू आप देख सकते हैं, खुशी के आंसू हैं, ये जीत चुके हैं वार्ड नंबर 24 से, और कहते हैं कि जितना भी धन्यवाद करे सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़कर ही अपने जैसे कि अंदर की भावना है उसको व्यक्त कर रहे हैं, जो जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया है उस पर किस तरह से खरा उतरने की? देखो जी, उस विश्वास पे हम खरे उतरेंगे, विश्वास के साथ हम घात नहीं होने देंगे, ये हम वादा करते हैं। जीत चुके हैं लेकिन शब्द नहीं है कि किस तरह से जनता का धन्यवाद करें, सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़कर सबको नमन कर रहे हैं और एक विश्वास दिला रहे हैं, हालांकि शब्द साथ नहीं दे रहे, लेकिन कहना चाहता है कि जो जनता ने विश्वास उनके ऊपर जताया है वो उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं का, बहनों का और एक एक बच्चे का भी, उनने जिन दिल की जीत थी उनकी वो हमारी नहीं, उनकी है। देखो सुनील जी, देखो ये खुशी के आंसू है आपके चेहरे पे, लेकिन आपने
पानी मेरे गिलास से तो आप ब्याह नहीं कर पा रहे, ऐसा विश्वास नहीं था जनता इतना विश्वास जताएगी। अरे विकास कराने से आपका सम्मान करा। सिल्ला भाई, सिल्ला भाई, बहुत बहुत बधाई। यार आगे जो समाज सेवा, चलो कोई कैंडिडेट था या नहीं था, तो आप एक बात मतलब समान भाव तक काम। बिल्कुल जी, हम उस चीज में कोई भी हमारे दिल और दिमाग में कभी पहले फर्क नहीं था और न कभी। परमात्मा से हाथ जोड़ के हम ये प्रार्थना करते हैं भी आगे भी है, प्रभु हमारे दिल और दिमाग में कभी ऐसा फर्क मत आने देना भाई, हम किसी से भेदभाव करें। जिला पार्षद प्रतिनिधि उनसे बात कराई। अपनी सन ऑफ हरियाणा को और दीपक जी पोपड़ा को बहुत बहुत बधाइयां। और 17 के 17 ग्राम जो आते थे वार्ड नंबर 24 के, तो उनको सबको बहुत बहुत उनका धन्यवाद, तय दिल से धन्यवाद, जो आज अपनी एक कीमती वोट देकर सिल्ले भाई को और विजय बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनता का जी। तो कहीं ना कहीं गांव जैसा पूरा आया। हाँ हाँ बिल्कुल जी, पूरा का पूरा गांव वही बात है, सिल्ले के साथ था जी। सिल्ला अच्छे विचारों का आदमी है, बहुत बढ़िया, और सबके साथ मिलजुल कर चलने वाला इंसान है जी, बहुत बढ़िया जी। और सबने जो जयसिंहपुर ने और 17 के 17 गांव ने जो प्यार दिया, उसके लिए बहुत बढ़िया प्यार दिया जी। और आज 179 वोटों से विजय हुए हैं जी। मतलब जीत छोटी है लेकिन जीत जीत है जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद दे दिया।